पूजनी संत समाज सज्जनों और देवियों, श्रीपत जी कमिश्नर साहब जो अभी बोले कट्टर पारखी बीजक में खूब प्रमते रहते हैं। बीजक व्याख्या में एक बार इन्होंने बताया कि मैं जा रहा था और बीजक व्याख्या मेरी कार में थी, एक्सीडेंट हो गया तो व्याख्या उधर गिरी, मैं उधर गिरा तो मुझे खुशी हुई कि बीजक व्याख्या के साथ ही मैं गिरा, अलग नहीं हूँ बीजक व्याख्या रखे रहते और पढ़ते रहते हैं और मस्त रहते हैं। जब हमारे पास आते हैं इनको मैंने कहीं कभी नहीं समझ पाया कि अफसर है, सरल, मस्तक पर तनाव नहीं, एकदम सरल। और बड़े बड़े पोस्टों पर रह रह करके जहाँ लोग नारा लगाते नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वहाँ ये शांत रहते हैं और जब बोलते हैं तो अपने दफ्तर में ही आधा आधा घंटा कबीर साहब के विचारों के प्रवचन करने लगते हैं सब हक्के बक्के रह जाते हैं। जीवन बहुत सरल है और जीवन में कल्याण सरल है, आनंद से रहना बहुत सरल है, एकदम सब समय खुश खुश प्रसन्न प्रसन्न रहने में बड़ी सरलता है। लेकिन अपने को हम जटिल बनाते हैं, बड़ा आदमी बनाते हैं, बड़े गुरु महाराज बनाते हैं, बनते बनाते हम अपने आप को जटिल कर देते हैं। पक्षी देखो चहचहाते रहते हैं, कुछ संग्रह नहीं, एकदम खुश खुश, जानवर सब खुश खुश, रोने वाला इंसान है। आदमी जन्मता है रोते रोते और घोषणा करता है मैं रोने के लिए जन्मा हूँ और जीवन भर रोता है और रोते रोते मर जाता है। धनी है लेकिन रोता है, गरीब रोए तो रोए, धनी रोता है, चपरासी रोता है और उच्च अधिकारी रोता है, अशिक्षित रोता है, शिक्षित रोता है, सामान्य गृहस्थ रोते हैं तो साधु वेशधारी भी रोते हैं। गुरु महंत आचार्य महामंडलेश्वर जगत गुरु विश्व गुरु ब्रह्मांड गुरु भी रोते हैं, ब्रह्मांड गुरु भी हैं, खुशी है कि ब्रह्मांड गुरु मेरे मित्र हैं, दिल्ली में मिलते हैं समय से, सब रोते हैं। चाह रखेंगे तो रोना पड़ेगा, निर्चाह होके काम करेंगे तो रोना नहीं पड़ेगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहन सा। लेकिन ये तो साधु की बात हुई, साधु की बात नहीं। एक अफसर, एक क्लर्क, एक चपरासी, एक गृहस्थ, सब लोग निर्चाह होकर के रह सकते हैं, शरीर से श्रम करें, अपनी श्रेणी का श्रम करें और श्रम में जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहें, चाहना न करें। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। दूसरे की चुपड़ी देख करके ललचावे मत, आधी और रूखी भली सारी शोक संताप, जो चाहेगा चुपड़ी बहुत करेगा पाप। साहब कहते आधी रोटी अच्छी है और रूखी, घी न लगाओ, और सारी पूरी रोटी खाओगे तो शोक संताप है और चुपड़ी चाहोगे तो बहुत पाप करोगे। यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं है, लाक्षणिक है। ये नहीं कि आज से आप आधी रोटी खाना शुरू कर दें और अगर घी घर में रखा है तो नाली में फेंक दें, पेट भर खाएं, थोड़ा कम खाएं, और घी रुचता पचता है तो थोड़ा खाएं। घी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं घी दूध की, सूखी रोटी बहुत है। हजरत मोहम्मद ने कहा हदीस में कि तुम्हें केवल नमक रोटी पर अधिकार है और किसी चीज़ पर नहीं, तो उनका भी ये कहना नहीं है कि सब्जी न खाओ। लाक्षणिक अर्थ है संतोष रखो, जो उपलब्ध हो तृप्त रहो उसमें, और यही हम लोगों में नहीं इसलिए रो रहे हैं, जानवर में नहीं, जो मिला खाए संतुष्ट।
आप कहेंगे हम जानवर हैं क्या? जानवर तो नहीं, मनुष्य हैं। और मनुष्य दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी है। जितने प्राणी हैं सब में आत्मा है, मनुष्य में आत्मा है। अन्य प्राणियों में जो आत्मा है वो अपने को नहीं पहचान सकता है, अपना उद्धार भी नहीं कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। मनुष्य का मन बहुत विकसित है, लेकिन इसने अपने मन को भोगों में जोर से लगाया है, नायकत्व में लगाया है, नायक बनने की बड़ी चेष्टा है, मालिक रहूं, सेवक बनने की चेष्टा नहीं होती है, मालिक रहो। ये मलिक ही रुलाती है, सेवक रहो, किसी बड़े पद पर हो सेवक मानो। गुरु विवेकवान जो हो गुरु होगा वो गुरु अपने को नहीं मानेगा, सेवक मानेगा, समाज की सेवा का मैं सेवक हूँ। नायकत्व की इच्छा, मलिकत्व की इच्छा, भोग की इच्छा, लुलुपता, यही दरिद्रता पैदा करती है और हम रोते रहते हैं। जीवन में घाटा मुनाफा होता है, ऊंच नीच स्थितियां होती हैं, सब में समता बना करके हमें सुख की प्राप्ति होगी। बोध सही हो, आचरण सही हो, रहनी सही हो, यही भगवत भजन है। बोध सही हो, बोध सही नहीं है, आदमी भटक रहे हैं। भूत प्रेत सताते हैं, भूत प्रेत नाम के कोई जानवर नहीं दुनिया में होते हैं। जितने भूत प्रेत की जितनी भूत प्रेत की बातें हैं सब केवल भ्रांति है। भूत चढ़ बैठा, भूत लग गया, झाड़ दिया गया, दूर हो गया। जहाँ लोग भूत कहते हैं वहाँ मैं रात में एक दो दिन नहीं, महीना महीना रहा। मुझे याद है, कभी कभी आपको याद दिलाता हूँ, वो 56 की बात होगी, 1956। एक कुटिया में रहता था, कुटी थी भी नहीं, वो अंग्रेजों का बंगला था। वह भारत आज़ाद हुआ तो हमारे भक्त ने खरीद लिया था, तो वहाँ पर उन्होंने कारखाना बनाया, कारखाना भी नहीं चला पाए, सुनसान हो गए। वहाँ पर मैं रहता था, चारों तरफ आधा किलोमीटर एक किलोमीटर दूरी पर गांव, सुनसान, अकेला रहता था। चरवाहे आए दिन में, कहे महाराज यहाँ प्रेत रहते हैं, आप अकेले कैसे रहते हैं? हम कहे तो अकेले कहाँ रहते हैं, प्रेत और हम। लेकिन अभी मिले नहीं, मिलूंगा तो मिलेंगे तो बात करूंगा। प्रेत का मतलब वह जो चला गया, जो प्राणी शरीर छोड़कर चला गया उसका नाम है प्रेत आत्मा, और जो खराब स्वभाव का है उसको कहते हैं दुष्ट आत्मा, और जो इंद्रियों पर विजयी है उसको कहते हैं महात्मा, और जो गुणातीत है उसको कहते हैं परमात्मा। ये आत्मा ही की सब विशेषण है, भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं। झाड़ फूक बिल्कुल झूठ है, अंग फड़कने से कोई हान लाभ नहीं होता है, दहनांग बायांग फड़कने से कोई हान लाभ नहीं, ये वायु विकार से होता है। स्वप्न विचार कभी मत करो, स्वस्थ मन स्वस्थ तन में ज्यादा स्वप्न नहीं होते हैं। नींद बढ़िया आएगी, स्वप्न कुछ आएंगे हल्के से, जागोगे भूल जाएंगे। जो ज्यादा मन को खराब करेगा उसको स्वप्न बहुत होते हैं। स्वप्न की चर्चा मत करो, स्वप्न से कोई हान लाभ नहीं। स्वप्न विचार बहुत किया गया, बड़ी बड़ी पोथियां लिखी गई हैं, विद्वानों ने दिमाग भी बहुत खराब किया है समाज का, हीरे मोती भी उन्होंने दिए हैं और विष भी दिए हैं। इसलिए निरक्षीर विवेक आपको करना पड़ेगा, स्वप्न विचार कभी मत करो। सपना में आप 1 करोड़ रुपया पाए और जागे तब 1 कौड़ी भी बिस्तर पर नहीं है, ऐसे स्वप्न का क्या विचार करते हो? स्वस्थ रहो, जागृत ठीक से जियो, उंगलियों को खराब न करो अंगूठी पहन पहन कर। ऐसे लोग भी होते हैं जो हर उंगली में अंगूठी पहने रहते हैं, और एक एक उंगली में दो दो तीन तीन अंगूठियां बढ़ जाती हैं, उंगलियां घट जाती हैं।
और शिक्षितों में ये ज़्यादा है, 95% से अधिक अंगूठियाँ शिक्षित लोग पहनते हैं और धनी लोग पहनते हैं। अब अगर नेता हैं तो पता नहीं कितनी पहनते हैं, पहन सकते हैं। कुछ नेता हैं जो नहीं पहनते हैं। उंगलियों के सौंदर्य को नष्ट मत करो पहन करके अंगूठियाँ। अंगूठियों से गंदगी जमती और कोई फायदा नहीं होता है। कितने लोग तो नौ नौ अंगूठियाँ पहनते, कहते हम नवग्रह इसमें बांधे हैं, आकाश के सारे ग्रह को बांधे रहते हैं। कहीं चले कोई टोक दिया तो काम बिगड़ गया, छुछा घड़े घड़ा देखे तो काम बिगड़ गया, और तेली तेल लेकर के आ गया तो बंटा ढार हो गया। और रोज लोग तेल खाते हैं, तेल सिर पर लगाते हो, बंटा ढार नहीं होता, तेली बदनाम कर दी तेली को। तेली समाज ने तिलहन का पता लगाया, उससे तेल निकाला, समाज को दिया, समाज ने उसका कितना उपयोग किया, दवाइयाँ बनाई, पकवान बनाए, प्रकाश जलाया, शरीर में लगाया, इतना गुणकारी तेल देने वाले समाज को इस मनुष्य समाज ने बदनाम किया। तेली देखने से कोई नुकसान नहीं होता है। इसी प्रकार बहुत सारी भ्रांतियाँ, वायव्य शक्ति कोई तैर रही है जो आपके ऊपर चढ़ बैठेगी, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ सुख दुख आते हैं हमारे कर्मों के फल होते हैं। हमें अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। तीन लोग के अंदर में कोई मुझे दुख देने वाला नहीं, मेरी दुर्बुद्धि मेरे लिए दुखदाई है। दुर्बुद्धि के कारण दुष्कर्म होते हैं और दुष्कर्म हमारे लिए पिजरा बनते हैं, बांधते हैं, हम अपने मकर जाल में उलझ जाते हैं। मानसिक प्रदूषण बहुत है, चमत्कार इन धार्मिकों ने खूब फैलाया। महात्मा जी 500 वर्ष के हैं, तुम कैसे जानते हो? 200 वर्ष से मैं ही सेवा कर रहा हूँ, यानी मैं भी कम से कम 225 वर्ष का हूँ। वैदिक ऋषि कहते हैं जीविम सर्दा सतम, ये तो प्रसिद्ध वचन है, लेकिन सैकड़ों बार चारों वेदों में 100 वर्ष जीने की कामना की गई है। कई 100 वर्ष का कौन हो गया? 100 जीते, 100 के अंदर मर जाते हैं, कुछ लोग 100 से ऊपर चले जाते हैं बस। लेकिन कई 100 वर्ष जीने की बात, भुनगा हो गए, मच्छर हो गए, हाथी हो गए, सिद्ध पुरुष जो चाहे 100 हो जाते हैं। योग दर्शन के भाष्य में मैंने विभूतिपाद में हर सूत्र पर खंडन किया और उसकी कापियाँ इतनी जल्दी बिकी कि एक वर्ष में दूसरा संस्करण करना पड़ा। और एक अच्छे पंडित ने कहा ऐसे लेखक की ज़रूरत है, क्योंकि सब साहस नहीं कर पाते हैं कहने का और लिखने का। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके मन में संदेह है कैसे हो सकता, लेकिन कह नहीं सकते हैं क्योंकि परंपरा का अनादर होगा। परंपरा का कैसे अनादर होगा? परंपरा में तो कूड़ा कचड़ा भी है और हीरे मोती भी है। और सदैव ऋषियों और संतों ने छान विचार करने की राय दी। कबीर साहब का दोहा तो आप सुने, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। साधु साहब मानव मात्र को साधु मानते हैं और कहते हैं कि सूप में धान कूट करके रखा जाता, फटक दिया जाता, भूसी उड़ जाती, चावल रह जाता है। ऐसे विचारक बनो, सब जगह से सार लो, असार छोड़ो। वेद के ऋषि ने कहा, ऋग्वेद में आया है, सत्य में उत्थित ना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्या ने जानते भद्र ईशान लक्ष्मी नेता दिवाज। सत्यमेव तितो न सत्तुम यू तित न, सत्तुम सतुआ यू समान, तितौना चालना, तितौनाम चलनी, तितौना नाम चालना, मनसा वाचम कृत, मनसा मन से वाणी को अकृत करो, चालो।
जहाँ पर मन से वाणी को चाला जाता है, साफ किया जाता है, वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है और मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं। वैदिक ऋषि चलनी का उदाहरण दे करके हमें निरछीर विवेक करने की राय देते हैं। कबीर साहब सूप का उदाहरण दे करके निरछीर करने की राय देते हैं। रामकृष्ण परमहंस से जब कोई बात करता तो कहते थे पंडित मिले तो कहें कि क्या तुम ध्यान करते हो, पंडित कहें महाराज ध्यान कहाँ करता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ। तो कहें शास्त्र में तो बालू चीनी सब मिला है, इसलिए ध्यान करो। तो हमारी परंपरा में जो कुछ है सब सही नहीं है और सब गलत नहीं है। जो परंपरा का खंडन करते हैं वे समझदार नहीं, और जो कहते हैं हम परंपरा की सारी बात मानते हैं वो झूठ बोलते हैं। सारी बात कहाँ मान सकते हैं, परंपरा में तो कितनी गलत बातें थी छोड़ दी गई। 55 मुद्दे वैदिक हैं जिनको वैदिक पंडितों ने कलिवर्ज कह करके परित्याग करने की राय आज से 1000 वर्ष पूर्व से दी है। कलिवर्ज पर जो पुस्तक लिखी गई है संस्कृत में, आज से 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई है। वो पुस्तकें प्रकाशित ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि उसका उपयोग बहुत नहीं है, लेकिन उन्होंने कलिवर्ज कहा, कल काल में ये नहीं चलता। जैसे नियोग, वैदिक युग में नियोग चलता था, पति रोगी है तो पत्नी दूसरे पुरुष से बच्चा पैदा कर सकती थी, ये विधान था खुलेआम। लेकिन 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने कहा ये कलिवर्ज है, कल काल में ठीक नहीं, ये मधुर खंडन है। कोई जमाना था सद्युग था तब ठीक था, आज कल काल है ठीक नहीं, ठीक कभी नहीं था। लेकिन मधुर खंडन किया गया, मधुर खंडन करना भी चाहिए। कितनी ऐसी बातें हैं, बड़ा अतिथि आवे अपने दरवाजे पर तो उसके लिए बड़ा बैल या बछड़ा जलपान में देने की बात थी, लेकिन कलिवर्ज का ये ठीक नहीं। मधुपर्क में सात्विक वस्तुएं दिया जाने लगी, दी जाने लगी। 55 मुद्दे हैं जो कलिवर्ज कर करके परित्याग किया गया। यज्ञ में पशुवध जो होता था, ऐसे ऐसे यज्ञ होते थे जिसमें सैकड़ों पशु काटे जाते थे। अश्वमेध यज्ञ में जो मुख्य अश्व तो काटा ही जाता था, 300 पशु और काटे जाते थे। आज यज्ञ में कोई पशु नहीं काटा जाता है। दुनिया में जो ईश्वर के नाम पर, देवता के नाम पर पशु काटते हैं उनको भी विचार करना चाहिए। पूरा काल से नियम रहा है, ईश्वरवादी दैववादी ईश्वर और देवता के नाम पर पशु काटते रहे हैं पूरा काल से, सामी परंपरा में भी और आर्य परंपरा में भी। आर्य परंपरा वैदिक परंपरा है, श्रवण ब्राह्मण सिद्धनाथ संत वैष्णव ये सब मिला करके आर्य परंपरा है। इसके मूल में ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्रह्म कहते हैं अग्नि को, अग्नि की उपासना में जो मंत्र बने उसको भी ब्रह्म कहा गया, और वेद मंत्रों से जो अग्नि में हवन करके उपासना करे उसको ब्राह्मण कहा गया। ये भारतीय परंपरा के जो सुसंस्कृत समाज में लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री बनाई वो ब्राह्मण थे, दूसरा पक्ष था उनकी हिस्ट्री नहीं, और ये आर्य कहलाते थे, ईश्वरवादी थे देववादी थे और खूब जीवित करते थे ईश्वर और देवता के नाम पर। सामी परंपरा दूसरी यहूदी, और उसमें निकला ईसाई फिर इस्लाम। यहूदी में जीव हत्या होती थी, हवन होता था, पशुवध करके हवन किया जाता था, उसमें भी संत ईसा इसके विरोध में थे, उन्होंने कोई बलि जीवन में नहीं दी, दया बताई। इसलिए ईसाइयों में ईश्वर को खुश करने के लिए पशु नहीं मारा जाता, वो इसे खाने के लिए भले मारे, लेकिन इस्लाम में चालू रहा, आज भी चालू है, उनको भी विचार करना चाहिए। ईश्वर दयावान है, देवता दयावान होना चाहिए, तो निर्दयता का काम करने से वो कैसे खुश हो सकते, इतना तो विचार करना चाहिए।
वैदिक परंपरा में ये विचार किया गया और यज्ञ में पशुवध खत्म हो गया। वैदिक कर्मकांड में जितना पशुवध का विधान है कुरान में कहीं विधान नहीं, लेकिन वैदिक परंपरा वाले पशुवध से मुक्त हो गए, कुरान वाले अपने को मुक्त नहीं किए। उनको भी चाहिए मुक्त करें अपने को। संत ईसा ने मुक्त किया अपने समाज को। तो हमें कैसे मान लें कि जो कुछ होता आया है सब सही है और गलत है, गलत भी है सही भी है। हमें गलत छोड़ना चाहिए सही लेना चाहिए, ये विचार का काम है। इसलिए कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण नहीं है। जहां हमें मान लेते अमुक पुस्तक ईश्वर की बनाई है, वहां बड़ी क्रूरता उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर उस पुस्तक को न मानो तो तुम नास्तिक हो, काफिर हो, बेदीन हो, और फिर आपके लिए कोई रास्ता नहीं कल्याण का, मनुष्यता ही समाप्त हो जाती है, कट्टरता आती है। मूर्ति पूजा करने वाले इतने कट्टर नहीं होते हैं, लेकिन ग्रंथ पूजने वाले बहुत कट्टर होते हैं। जितनी पुस्तकें हैं सब मनुष्य की रचनाएं हैं, इसलिए उनमें विचार करने की हमें आवश्यकता है। चमत्कार जितना है सब धोखाधड़ी है, छल कपट है, चाहे वो किसी के नाम में जुड़ा हो। दुनिया के बड़े से बड़े पुरुष के नाम में जुड़ा है चमत्कार, सबका सब छल कपट है। आकाश में उड़ गए, 10 किलो चावल से भात बना और 1000 लोग खाए और 1 अंडा भात बच गया। बैल से वेद मंत्र बोलवा दिए, चौकी से कहे चल चौकी चल पड़ी, दीवार को कहे चल दीवार चल पड़ी, और आकाश में उड़ गए। क्षण में सारी बातें जान गई, पूरी दुनिया में घूमा 1 सेकंड में, यहीं बैठे बैठे सब कुछ को जान गए। इन जैसी बातें जो चमत्कार की हैं सुलहो आने झूठ है, ये कुछ नहीं होती, ये सब हवा है। और धार्मिकों ने उड़ा करके धन जन बटोरने का काम किया। चमत्कार की बात करो, धन बढ़ेगा, जन बढ़ेगा, पब्लिक बढ़ेगी, क्योंकि सबको ख्वाहिश है ऐसे चमत्कारी बाबा से जो हाथ उठावें हमारा सब मंगल हो जाए। बाबा बच्चा देते हैं, बीमारी काटते हैं, और बाबा स्वयं बीमार रहते हैं लेकिन दूसरे की बीमारी काटते हैं। बाबा जो चाहें सो कर दें, पानी बरसा सकते हैं, पानी रोक सकते हैं, बिल्कुल झूठ। कोई बाबा ना पानी बरसा सकता है ना पानी रोक सकता है। कारण कारज की एक अटूट व्यवस्था है। पानी बरसने के जितने कारण हैं भौतिक हैं, उनमें चेतना नहीं है, स्वभाव है। योग्यता होगी पानी बरसेगा, चाहे लोग डूबें चाहे कितना नुकसान हो। नहीं योग्यता होगी नहीं बरसेगा, चाहे लोग जलें फसल नष्ट हो, उसमें ज्ञान नहीं है। बाबा कैसे बरसा देंगे, हवन करने से पानी कैसे बरस जाएगा। धर्म के नाम पर बड़ा बड़ा जंजाल है, और इन जंजालों में मनुष्य का बुद्धि का शोषण हुआ है, और बुद्ध के शोषण से आदमी अपंग हो गया है। इसको बेवकूफ बनाया जाता है जगह जगह, तुम्हें बच्चा मिलेगा, रोग कटेगा, मुकदमे में विजय होगी और राजनीतिक पद पर पहुंच जाओगे, मंत्री हो जाओगे, प्रधानमंत्री हो जाओगे। मंत्री लोग क्या क्या करते हैं, हवन कर करके तो टिकट लेते हैं और तमाम अंगूठियां पहनते हैं, बाबाओं के पीछे घूमते हैं, ज्योतिषियों के पीछे घूमते हैं, घोर अंधविश्वासी। जवाहर पटेल ये सब नहीं करते थे, गांधी महात्मा थे, क्योंकि इंद्री जयी संयमी थे, लेकिन किसी बाबा के पीछे नहीं घूमते थे। गांधी को गाली देने वाले तो बहुत बहुत तेज तेज लोग हैं, लेकिन गांधी का एक अंग भी लेने वाले नहीं। गांधी जी एक तरफ उनमें महात्मापन था, और एक तरफ अत्यंत विवेकवान पुरुष, सारे अंधविश्वास से रहित रहते थे। ईश्वर राम वो कहते थे, लेकिन वो कहते थे राम घटघट में, प्राणियों में, प्राणी मात्र में है, प्राणी मात्र को राम रूप समझो। तो अंधविश्वास से दिमाग प्रदूषित है। भगवान की माया हमें नचा रही है,
क्या करें महाराज, भगवान की माया हमें नचा रही है। हम आना चाहते थे आपके पास, लेकिन भगवान ने ऐसी माया डाली है महाराज, फुर्सत नहीं। सारा दोष भगवान का, आपका नहीं। आप तम्बाकू खाते हैं, भगवान ने आपको तम्बाकू खिला दिया। शराब पीते हैं क्योंकि भगवान ने आपको शराब पिलाया है। कोई लड़का किसी लड़की से मोह कर लिया है क्योंकि भगवान ने मोह करवाया है। कोई चोरी किया है, डाका किया है, गबन किया है, मिलावटबाजी की है क्योंकि भगवान ने करवाया है। आतंकवादी जा करके 10 को भून देते हैं क्योंकि भगवान भुनवाता है, कहता है मारो इन लोगों को। कैसे ही व्याख्या है। आपकी माया आपको परेशान करती, भगवान की माया नहीं। हर इंसान के पास अपनी माया है। माया क्या है? छल कपट, धोखाधड़ी, मोह, भ्रांति, ये अपनी बनाई माया है। हमने माया बनाई है, हमें ही उसको मिटाना होगा। कोई भगवान की माया हमें सताने वाली नहीं, लेकिन इसका प्रचार इतने जोर तोर से है, आम जनता बेचारी क्या करे। पंडित कहते हैं, महात्मा कहते हैं, भगवान की माया अघटित घटना पटी सी दृढ़तया अनिर्वचनीय, ये सब उन सबके शब्द हैं। अनिर्वचनीय, जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, जिसके विषय में हम व्याख्या नहीं कर सकते। अघटित घटना पटी सी, जो घटना न घटे वो माया घटा देती है। दुर्तया, उसको तरा नहीं जा सकता है। प्रभु माया गरियसी, प्रभु माया बड़ी कठिन है। एक तरफ ईश्वर को कहते हैं सच्चिदानंद है, निर्मल है, निर्दोष है, दूसरे तरफ कहते हैं भगवान ईश्वर की माया सबको नचाती है। अपनी बात अपने कानों से न सुनते हैं लोग, न समझते हैं। ईश्वर अगर दयालु है, करुणाशील है, सच्चिदानंद है, आनंद कंद है, माया कैसे रखेगा? और माया रखेगा तो आनंद कंद रहेगा, तो पीड़ित रहेगा। गलत गलत व्याख्याएं शास्त्रों में भरी है जगह जगह, और पंडित महात्मा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तो आम जनता कहाँ जाए? भगवान की माया नचा रही है। लेकिन हमें और आपको इस पर विचार करना चाहिए। जहाँ जहाँ हमारे जीवन में व्यतिक्रम होता है, गलत सोचना, गलत बोलना, गलत करना, उसके मूल में हमारे मन की माया है। हमारे मन की माया मोह, धोखाधड़ी, अंधविश्वास, अज्ञान, हमारी गलती से हमारे जीवन में दुष्कर्म होते हैं, और इसलिए हम अपने को बिल्कुल सुधार सकते हैं। हम अपने को माया से बिल्कुल उठा सकते हैं। मोह माया है, मोह बनाने वाले हम हैं, दूसरे का क्या दोष है? किसी भगवान और शैतान ने हमारे ऊपर माया नहीं छोड़ दिया है। ईश्वर जो चाहता वही होता है, और तो अपने से कुछ होता नहीं। सबई नचावत राम गोसाई, राम गोसाई सबको नचा रहे हैं। हम कठपुतली हैं, वो चला रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो इस सत्संग के आयोजन की आवश्यकता क्या है? कठपुतली को उपदेश से कोई फायदा होगा? कठपुतली कोई दोषी है तो सूत्रधार उसको चलाता है? अगर आपसे गलती हुई तो आपका क्या दोष है? तो ईश्वर का दोष है, उसी ने करवाया है। तो क्या आप स्वतंत्र करता नहीं है? कोई जज किसी को छोड़ सकता है? वो कहे कि ईश्वर ने हमसे चोरी करवाई, वही प्रेरणा करवाया है, नहीं छोड़ेगा। ये बिल्कुल गलत व्याख्या है कि हम कठपुतली हैं और ईश्वर हमें वैसे करवाता है। हम अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। हम चाहें तो अपने को बिल्कुल ठीक ठाक रख सकते हैं, और अगर अंधकार में पड़े रहेंगे तो बहते रहेंगे। कोई ईश्वर हमसे कुछ करवाता नहीं। हमारी जैसी इच्छा होती वैसा हम करते हैं। इसलिए अपनी इच्छा का विश्लेषण करने की जरूरत है, अपने विचारों का विश्लेषण करने की जरूरत है। आपके मन में जो संकल्प उठे हैं, उन संकल्पों को सोचिए, उचित है कि अनुचित है। दूसरे की फसल काटने का संकल्प, दूसरे घर में चोरी करने का संकल्प, दूसरे को धोखा देने का संकल्प, दूसरे के हक को मारने का संकल्प, दूसरे की बहू बेटी पर कुदृष्टि का संकल्प, ये सब कौन करवाता है? ईश्वर करवाता है? हम करते हैं, हमारी भूल है। हम समझें, इसको दूर करें, तब हमारा कल्याण होगा। इसलिए ईश्वर हमसे करवाता है,
ये भक्ति मानी जाती है कि बड़ी भक्ति है, भक्ति उक्ति नहीं, भ्रांति। जब तक मानसिक प्रदूषण बौद्धिक प्रदूषण हमारा दूर न होगा, सच्चा ज्ञान न होगा, तब तक हम सतपथ पर चल नहीं सकते। हमारे पास मन है, वाणी है, इंद्रियां हैं। इन तीनों का बर्ताव रात दिन हम करते हैं। मन का सोचना गलत है तो वाणी गलत निकलेगी और कर्म गलत होंगे और दुख पैदा होगा। इस दुख को हजार ईश्वर मिल करके रोक नहीं सकते, गुरु महाराज भी रोक नहीं सकते, देवी देवता रोक नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकता। अगर हमारा सोचना गलत है तो बोलना गलत होगा और करना गलत होगा और उसका परिणाम दुख आएगा। दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अगर हमारा सोचना सही है तो वाणी सही होगी और कर्म सही होंगे, दुख का कोई चांस नहीं, कोई दुख दे नहीं सकता। दुख तो हम खरीदते हैं अपने अज्ञान से, अपने व्यामोह से, अपनी लुलुपता से, अपने अहंकार से। हम अपने को साधारण मनुष्य क्यों नहीं मानते हैं? एक बहुत बड़ा पूज्य गुरु है, सब हाथ जोड़ते हैं, लेकिन है मनुष्य। जो बिस्तर पर जाएगा अकेले सोएगा, टट्टी लगेगी तो टट्टी घर में, अकेले जाएगा टट्टी करेगा, और टट्टी उसे अपने हाथ से ही धो रहा है। मच्छर उसको काटेंगे परेशान होगा। एक बड़ा अफसर है, बड़ा नेता है, वो आखिर में इंसान है, एक साधारण इंसान है, अफसर है, कच दफ्तर में बैठा है, लेकिन जब घर में आता है तो बाल बच्चे उसे अफसर नहीं मानते, पिता मानते हैं, भाई मानते हैं, बच्चा माता तो उसको बच्चा मानेगी। हम लोग सब अपने को मनुष्य माने, ये बाहर का लिफाफा मन से अलग रखें। धनी गरीब कुछ नहीं, विद्वान अविद्वान ये सब बाहरी चीजें हैं, हम सब मनुष्य हैं। मनुष्यता अपने में लाएं। मनुष्यता क्या है? विचार शुद्ध होना, मननात मनुष्य, मनन करने के कारण से प्राणी मनुष्य। अगर मनन नहीं है, विवेक नहीं, तो ये मनुष्य कहाँ है? विवेकवान बने। कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बह, सो कस मरे पियास। साहब कहते हैं अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती हो प्यासा क्यों मरे? आपके आंगन में नदी बहती है, आनंद की नदी बहती है, क्यों बोझा लिए हो मन पर? खाने को नहीं मिलेगा? लोग कहते महाराज क्या करें, व्यापार बैठता जा रहा है। अरे व्यापार बिल्कुल बैठ जाए तो भी खाने मिलेगा, काम करो अपने ढंग से। एक बड़े नगर में मैं था, भारत के, एक सज्जन अपने घर में ले गए, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम जिसमें कम से कम 100 लोग बैठ जाए, कार पार्किंग की जगह जिसमें एक परिवार रह सकता था, ऐसा भव्य भवन। सत्संग हुआ, प्रवचन हुआ, उन्होंने जलपान इत्यादि कराया। मैंने घर की जो वृद्धा माँ थी, मैंने कहा माता जी कुछ पूछना हो पूछो। कहे महाराज क्या पूछो, मेरे समान दुनिया में कोई दुखी नहीं। मैंने कहा इस घर में? कहे हाँ महाराज। क्या दुख है? पास में लड़की बैठी थी, महाराज इसकी फैक्ट्री बंद हो गई। हम कहे कुछ दुख नहीं होना चाहिए, खाती है कि नहीं? कहे खाती तो है। हम कहे फैक्ट्री बेच दे, एक दुकान कर ले, हजारों रुपए तब भी लाभ होगा रोज। कहे महाराज यही मैं भी यही कहती हूँ। दामाद कहता है एसी कमरे में बैठकर काउंटर पर, जो एसी कमरे में बैठकर फोन से जो माल बेचने वाला है, वो दुकान पर बैठकर के काउंटर पर माल बेचेगा? अब अपने को सेठ, फैक्ट्री वाला, एसी वाला, कार वाला मान करके हम पीड़ित हैं। पक्षी में कुछ चिंता नहीं, कार की चिंता नहीं, एसी की चिंता नहीं, अमुक की चिंता नहीं, इसलिए फुदकते हैं, मस्त रहते हैं। जानवर मस्त रहते हैं, जानवर तक की अकल हमारे पास नहीं है। अपने को जोड़ते जाते हैं पद में, प्रतिष्ठा में, पूज्यता में, धन में, विद्या में, जो जो चीज़ें मिलती उसी में जोड़ते जाते हैं, अपने को सिलते जाते हैं, अपना नरक करते चले जाते हैं।
ये सब सेवा की जगह है। पद है सेवा की जगह है, पूज्यता है सेवा की जगह है, कुछ भी है दुनिया में जो कुछ जुड़ता है सेवा की जगह समझना चाहिए। वो सब मेरा नहीं, शरीर ही मेरा नहीं है। मेरा स्वरूप तो शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतन है, शरीर ही मेरा नहीं है। और शरीर है तो मनुष्य शरीर है, बस मनुष्य हम लोग हैं, काला गोरा में कोई फर्क नहीं। ब्राह्मण शूद्र भी झूठ है, कुछ ब्राह्मण शूद्र नहीं, मनुष्य हमें, हमें अपने को मनुष्य मानना चाहिए। हिंदू मुसलमान भी नहीं मानना चाहिए, मनुष्य मानना चाहिए। हम मनुष्य हैं और साधारण मनुष्य, रोटी नमक पर हम भी गुजर कर सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी में हम भी रह सकते हैं, पैदल हम भी चल सकते हैं। जो सामान्य स्थिति में रहने वाले लोग हैं उनसे हम कोई विशेष ढंग के आदमी नहीं हैं। दाल भात मिले, रोटी सब्जी मिले, घी मलाई मिले, जितना रुचे पचे थोड़ा खा ले, कम हो जाए दाल भात में काम कर ले, और कम हो जाए भात नमक में काम चला ले, फिर हो जाए फिर दाल भात खाए। सब स्थिति में जो प्रसन्न रहता है उसको दुख कौन देगा? सिर झुका लिए कौन दुख दे सकता है? पत्नी ने कुछ कह दिया इसलिए गाल फुला के बैठ गए, पत्नी पत्नी को कुछ कह दिया वो गाल फुला के बैठ गई, कह दिया अपने साथी हैं, दूसरे लोग कह दें उनका विचार उनकी समझ, उनके एक वायु के झोंके से हम पिचक जाएं? अपने में आप कुछ नहीं है, कोई आपको जब चाहे रुला दे, बस जानवर की तरह। जानवर को लोग हांकते हैं तो उधर चलता है, हम जानवर बन जाते हैं। कोई हमारा अपमान किया पिचक गए, सम्मान किया फूल गए, हम अपने में कुछ नहीं रह जाते। अपने बाहुबल का भरोसा करो, अपने महत्व को समझो, मनुष्य के समान कोई शक्ति नहीं। पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, कोयले की खदान है, पत्थर की खदान है, ज्ञान का स्रोत या खदान कहीं है? मनुष्य। सारे ज्ञान विज्ञान इससे निकले, सारे शास्त्र इससे निकले। कहते मनुष्य तो तुच्छ है, ईश्वर ज्ञान विज्ञान का निदान है। ईश्वर ने आपसे कभी कहा कि तुम लोग तुच्छ हो, मैं ज्ञान विज्ञान का निदान यहाँ बैठा हूँ? मनुष्य ही अपनी भूल से कहता है कि मैं तुच्छ हूँ, मनुष्य तुच्छ है, ईश्वर ज्ञान विज्ञान का निदान है। ईश्वर तो हमारी अवधारणा है, ज्ञान मनुष्य न होता तो ईश्वर भी न होता, ईश्वर की कल्पना न होती। सारे देवताओं का सृजन करने वाला मनुष्य, सारे ईश्वरों का सृजन करने वाला मनुष्य, सत्ता नित्य है, उस सत्ता रूप ईश्वर को समझने की जरूरत है। आप ईश्वरों के ईश्वर हैं, आप अपने को तुच्छ समझते हैं तो श्रेष्ठ कौन है? तुच्छ मान करके अपने को हम गिराते हैं। आप तुच्छ नहीं, आप महान हैं। अपनी महानता को समझें, अपनी दिव्यता को समझें, अब जो विकार आ गए उनको छोड़ें। काम क्रोध लोभ मोह आपके स्वरूप में नहीं है। कोयला 100 मन साबुन से धोया जाए तो भी उजला नहीं होता। कोयला होए न उजरो 100 मन साबुन लाए, ये साहिब की आदिशा की। अगर काम क्रोध लोभ मोह आपके स्वरूप होते तो आप उससे कभी मुक्त न होते। क्रोध आता है चला जाता है, काम आता है चला जाता है, मोह आता है चला जाता है, इसलिए आपका स्वरूप वो नहीं है, प्रक्षिप्त है, आपकी भूल से है। क्रोध मेरा स्वरूप होता तो मेरे लिए दुखदाई न होता। अपना स्वरूप अपने लिए दुखदाई नहीं होता है, विजात तत्व दुखदाई होता है। क्रोध विजात तत्व है, इसलिए क्रोध आने पर हमारा नरक हो जाता है। क्रोध में हम जीवन भर नहीं रह सकते हैं, जितने क्षण रहते हैं उतने क्षण नरक रहता है, इसलिए वो मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन प्रेम में पूरा जीवन रह सकते हैं, काम में जितने क्षण आदमी रहता है बेबल मलिन चिंतित उद्वेगित, फिर पीछे पश्चाताप और घृणा, अपने ही से उसको घृणा। काम में हर समय कैसे भी रह सकता है, लेकिन सुंदर विचारों में पूरा जीवन रहा जा सकता है। मन की मलिनताएं जितनी हैं वो हमारी भूल से हमारे जीवन में बनी, वे शाश्वत नहीं, वे आत्मा के स्वरूप में नहीं। आप उनसे बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं इसी जीवन में रहते हुए। काम क्रोध लोभ मोह दोई शीर्षा चिंता विकलता उद्वेग से रहित रह करके प्रसन्न मन
आनंद से जी सकते हैं, इसकी समझ होनी चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। सुने गुने सुने और छोड़ दिए तो नहीं होगा, सुने गुने सोचें विचारें और उस पर चलने का अभ्यास करें। यही रास्ता और दूसरा कोई रास्ता नहीं। सस्ता रास्ता आप चाहते, गुरु बाबा पाप काट दे। एक बड़े अधिकारी हमसे मिलने आए, कहे महाराज वृद्ध हैं वो, अब तो 90 के करीब हैं। कहे महाराज हम एक सन्यासी से दीक्षित हुए थे, 3 वर्ष हो गए, तब उनसे कहा महाराज आपने मेरे ऊपर शक्तिपात नहीं किया। शक्तिपात एक हवा है, गुरु जी अपनी शक्ति शिष्य में गिरा देते हैं, बस वो मुक्त हो जाता है। तो गुरु ने कहा महाराज, गुरु ने कहा कि भैया जो मेरे गुरु ने दिया था वो तुम्हें दिया और मैं क्या करूं। तो उनसे मैंने कहा धर्म में 1000 झूठ भरा है, शक्तिपात भी एक महा झूठ है। शक्तिपात गुरु कर देते और चेला का तुरंत कल्याण हो जाता है, शक्तिपात कुछ नहीं है। गुरु उपदेश करता है, जो योग्य शिष्य होता है वो ग्रहण करता है और आगे बढ़ जाता है, जो योग्य नहीं होता नहीं ग्रहण करता है, उसका नुकसान होता है, उसकी त्रुटि है। शक्तिपात कुछ नहीं है, लेकिन शक्तिपात का हवा एक गुरु लोग ही फैलाए हैं, जिससे धनी लोग फंसे। शक्तिपात कहा हुआ पाप काटने की बात, यहाँ कटेगा वहाँ कटेगा, गुरु कृपा करेंगे पाप कट जाएगा, गंगम नहाओ पाप कट जाएगा, अमुक पाठ करो तो पाप कट जाएगा, अमुक नाम लो तो पाप कट जाएगा। नाम जपना ठीक है, राम नाम मंत्र, शिव नाम मंत्र, अल्लाह नाम मंत्र, सब मंत्र ठीक है, वेद मंत्र, कुरान मंत्र, बाइबिल मंत्र सब समान है। जैसे ब्रह्म वैसे अल्लाह, वैसे खुदा वैसे गाड, वैसे राम वैसे रहीम, सारे शब्द आदरणीय, सारे मंत्र आदरणीय हैं। इसलिए कोई मंत्र जपे कोई नाम जपे अच्छा है, मन में थोड़ी प्रसन्नता होगी, गंगा में नहाओ अच्छा है, इसी बहाने चलोगे, थोड़ा पैदल चलोगे नहाओगे सुबह अच्छा रहेगा, पाप उप नहीं कटेगा। पाप छोड़ने से कटता है, गलत रास्ता छोड़ने से जीवन की शुद्धि होती है। धर्म में उलझन की बातें खूब भरी है। महाभारत और 18 पुराण इन 19 जिल्दों में, महाभारत तो एक जिल्द में नहीं है, लेकिन मान लो इन 19 ग्रंथों में करीब करीब 40,000 मंत्र हैं जो महिमा में लिखे गए। प्रयाग के इर्द गिर्द जो रहते हैं वो मुक्त ही हैं सब, काशी में जो रहते हैं मुक्त ही, नर्मदा का तो नाम लेने ही से मोक्ष होता है। धर्म का क्षेत्र भी महापागल खाना है, और यहाँ विवेक विचार करने छोड़ देने की राय दी जाती है, और उधर कट्टरता, सांप्रदायिकता की कट्टरता कि केवल हमारा संप्रदाय मोक्ष और स्वर्ग देने वाला है। अकबर बादशाह फतेहपुर सीकरी में जो उसका भवन है, आप कभी जाएं तो देखें, वो सभी वर्ग के गुरुओं को बुलाता था और सभागार में सब बैठते थे, जैनी बौद्ध इस्लामी ईसाई वेदांती, और अपनी अपनी बात कहते थे। एक दिन उसने अपने नौकर से पूछा, जो नौकर उनको पानी दाना दिया करता था, हरदम साथ रहता था, उससे पूछा बताओ भाई तुम्हें ये जो गुरु लोग हैं इनकी बातें कैसे लगती हैं। कहे हुजूर क्षमा करेंगे। कहे क्षमा करता हूँ, तुम जो कुछ कहना चाहो कहो। कहे हुजूर लगता है जैसे सब पागल हैं और पागल खाना है। तो बहुत हंसा अकबर, क्योंकि सभी जब जो बैठे हैं वो कहें ईश्वर का रास्ता केवल हमारा, हमारी किताब से कल्याण होगा, हमारे अवतार और पैगंबर से कल्याण होगा, दूसरे से नहीं होगा, दूसरा यही कहे, तीसरा यही कहे, चौथा यही कहे। तो अकबर बहुत हंसा। तो इधर सांप्रदायिकता का पागलखाना और इधर तुरत फुरत में सारा पाप कटवाने की चेष्टा और झांसा, कटवट नहीं सकता। 1000 ईश्वर मिलकर के हमारे पाप नहीं काट सकते, हमें पाप का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, ये परम सत्यता है, इसको स्वीकारे बिना जीवन बदल नहीं सकता है। नहाते रहो गंगा में, पूछते रहो कुछ,
जपते रहो, नाम जपते रहो, मंत्र जपते रहो, आयतों का पाठ करते रहो, ये देखो कि मन में ईर्ष्या आती है कि नहीं, क्रोध आता है कि नहीं, उद्वेग आता है कि नहीं, दूसरे के नुकसान करने की चेष्टा होती है कि नहीं, काम लोलुप्त तो नहीं है, मोह लोलुप्त तो नहीं है, अंदर में कूड़ा कचड़ा वड़ा पाप कटना क्या अर्थ होता है? पाप कटने का अर्थ होता है चित्त की निर्मलता, पूर्ण निर्मलता। पूर्ण निर्मलता होती है कि नहीं, इसमें भी संदेह है। सामान्य आदमी ही नहीं, साधक को भी भ्रम होता है कि बुरा काम तो छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन बुरे विचार छोड़ना मुश्किल है। आदमी कोई भी आदमी है, स्त्री पुरुष का जो संयोग जनित मोह है छोड़ दे, न संयोग करे, लेकिन मन में विकार आएगा। हम किसी की हत्या न करें लेकिन मन में क्रोध आएगा। इस प्रकार भ्रम साधकों को भी हो जाता है, क्योंकि अभी मंजिल में पहुँचे नहीं। किंतु ये पक्का समझिए, मन पूरा निर्मल होता है, पूरा निर्मल होता है, पूरी निर्मलता ही को जीवन मुक्त कहते हैं, हकबीनी कहते हैं, और इसी को निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, परमानंद कहते हैं। और ये झूठा आदर्श नहीं है, ये आपके सौभाग्य का विषय है। आप अपने सौभाग्य में इसको प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके हक में है। आप सरल जीवन जिए, मनुष्य बने, विवेकवान बने, सरल रहें, संयमी हों, अपने को पहचानें, अपने को सुधारें, और देखेंगे कि पहले से मलिनता घट गई है और दिन दिन घटेगी। साधना का अर्थ यही है कि दिन दिन विकार घटें। व्यापार सफल कौन माना जाता है? जिसमें निरंतर धन की उन्नति हो। 1,00,000 रुपया लेके व्यापार शुरू किया गया, 4 महीने में 80,000 रह गया, 6 महीने में 60, घटता गया तो व्यापार की असफलता। मूल पूंजी बनी रहे, कुछ धन बढ़ता जाए, ये उसकी सफलता है। साधना की सफलता है काम की लोलुपता घटे, क्रोध घटे, मोह घटे, ईर्ष्या घटे, लोभ घटे, चिंता घटे, उद्वेग घटे। लोग कहते महाराज कैसे न दुखी हो, पत्नी बीमार है। बच्चा कहे मैं नहीं महाराज कैसे न दुखी हो, पैसा कम है महाराज कैसे न दुखी हो। ठीक है भैया दुखी हो, कौन रोकता है? आपसे भी कम पैसे वाले हैं अगर समझदार हो सुखी रहते हैं। पत्नी बीमार है सेवा करो, बच्चा कहा नहीं मानता है समझाओ, नहीं मानेगा तो उसका रास्ता होगा, क्या करोगे? दुखी होना चाहते हो तो आपको दुख से मुक्त कौन कर सकता है? हमें अपने को अंदर में इतना मजबूत करना है कि किसी स्थिति में हमारे में विचलन न आए। ये साधना है, ये पूजा है, ये नमाज है, ये प्रार्थना है। अखंड कीर्तन से काम नहीं बनेगा, खूब जपने से काम नहीं बनेगा, जीवन को शोधने से काम बनेगा। दुनिया रुई को धुनता है, एक एक रेशा को अलग अलग कर देता है, सारा कचरा झड़ जाता है। हमें अपने कचरे को झाड़ना है, हमें अपने मन को धुनना है। ये काम कोई करके देखे, 1 महीना करके देखे, जिस काम में हो, अफसर हो, चपरासी हो, किसान हो, मजदूर हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, कुछ भी हो, अपनी श्रेणी में जहाँ भी हो, निरंतर अपने पर निगरानी रखे। साहस साधना और साहस समाधि, साहब ने दोनों बातें कही। साहस समाधि है संकल्पों का अंत, साहस साधना है निरंतर मन को देखना। साहस समाधि के विषय में अभी ज़्यादा अवसर नहीं है कहने, अवसर पड़ेगा तो अगले दिनों में कहा जा सकता है। साहस साधना, हर समय मन को देखना साहस साधना है। बिस्तर पर है, टट्टी घर में है, घूर पर है, दफ्तर में है, कारखाने में है, सड़क पर है, खलिहान में है, मन को देखते रहें, मन क्या सोचता है, और गलत सोच को हटाते रहें। केवल एक निगरानी रखें मन पर और निरंतर ये काम करें, देखेंगे जीवन में कितना तरमीम थोड़े दिनों में होगा। ये करते नहीं, सुन गुन लिए, कितने लोग तो सुनते गुनते भी नहीं, वाहियात समझते हैं।
सत्संग धर्म ग्रंथ पढ़न पढ़ना वाहियात समझते हैं। पहले शुरू तो करें, देखेंगे जीवन में बदलाव होगा। कर्म कांडों से भी कुछ मन प्रसन्न होता है, लेकिन कर्म कांड करते करते जीवन बीत जाता, तमाकू तक नहीं छूटता है, बीड़ी सिगरेट तक नहीं छूटता है। जब तक विचार न करेंगे, शोधन न करेंगे अपना, तब तक जीवन बदलेगा नहीं। सच्ची साधना है सहज साधना। कबीर साहब कोई ऐसी बात नहीं कहते जो एक वर्ग के लोग कर सकें। आप उनका बीजक पढ़िए, मुख्य ग्रंथ बीजक है। बीजक से ही छिटके हुए वचन भकना साहब की वाणी में राजस्थानी है, गुरु ग्रंथ साहिब में है और अनेक जगहों में है, जो स्वर बदल बदल करके है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की जितनी वाणियाँ हैं सब पंजाबी स्वर में है। स्वाभाविक आप समझ सकते हैं कि अपने ढंग से वहाँ कहा गया है। कबीर साहब की वाणी तो खड़ी बोली और भोजपुरी लटके में है, क्योंकि उनका खास क्षेत्र काशी है, गोरखपुर लेकर के काशी क्षेत्र है। बीजक इसी में है, खड़ी हिंदी बोली और भोजपुरी लटका। सुबह मैंने कहा था, फुल भल फुलल मलिन भल गाथल, फुलवा बिनसगो भवर निरासल। कहें कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहल लो भाई। ये भोजपुरी लटका है और खड़ी बोली हिंदी है, हरी भाषा। तो कबीर साहब की वाणी अन्य जगह भी फैली है और कबीर की लोकप्रियता इतनी हुई, संस्कृत में वेदव्यास की लोकप्रियता और वेदव्यास के नाम पर बहुत पुस्तकें बनी, ऐसे हिंदी में कबीर की लोकप्रियता। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं जिस प्रदेश में जाता हूँ उस प्रदेश की भाषा में लोग गाते हो, कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधो। गुजराती में, उड़िया में, राजस्थानी में, पंजाबी में, जहाँ जाता हूँ बंगला में, कहें कबीर सुनो भाई साधो बोलते हैं। और साहब तो हिंदी में बोले हैं, तो बड़े लोकप्रिय हुए हैं कबीर साहब। इसीलिए कबीर साहब का रूप इतना सर्वव्यापी हो गया है कि उनको एक फ्रेम में कस के रखना मुश्किल है। बहुआयामी वचन उनका हो गया है और लोगों ने और बना डाला है, लेकिन बीजक उसकी कसौटी है। बीजक आप पढ़ेंगे तो सारी वाणियाँ कसने में आ जाएंगी। पूरा बीजक आप पढ़ डालिए, कोई ऐसा विषय नहीं है उसमें उपदेश जिसमें एक वर्ग के लोग कर सकें, कबीरपंथी कर सकें या अमुक वर्ग के लोग कर सकें। पूरा का पूरा उसमें है प्राप्त विचारों पर समीक्षा और सत्य का उद्घाटन। उन्होंने प्राप्त विचारों पर समीक्षा खूब की है, सबकी बातें कही हैं और सत्य का उद्घाटन किया है, निर्भय होके किया है। आज से 550 वर्ष पूर्व उनकी वाणियाँ निकली और इतनी निर्भय वाणी आज भी ऐसी वाणी कहने वाले नहीं मिलते हैं। ये उनकी निर्भयता, वे आग से खेल गए, चिंता नहीं किए और उन्होंने रास्ता भी बताया। जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। अपना घर फूकना क्या है? जिस घर में हम रहते हैं उसको फूकना थोड़े, मोह फूकना। हमारे पीछे लोग चलें, हमारा दल बढ़े, हमें लोग मानें, ये भाव रख करके कोई सत्य नहीं कह सकता है। सत्य में रहें, सत्य कहें, जिनकी इच्छा हो हमें नया हो नया कोई परवाह नहीं। तो निरक्षीर विवेक हमारे जीवन में होना चाहिए। कल्याण की प्राप्ति इसी जीवन में होती है। हर इंसान कल्याण प्राप्ति का अधिकारी है। कल्याण का अर्थ है इसी जीवन में चिंताहीन रहना, भय रहित रहना, प्रसन्न रहना, सब समय आनंदित रहना। और ये सरल जीवन जीने से होगा, अपने मन को परख करके शुद्ध करने से होगा, फिर वाणी शुद्ध और कर्म शुद्ध। मन वाणी कर्म ये तीन हैं। मन की शुद्धि से वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं और वाणी और कर्म शुद्ध होने से मन शुद्ध होता है। वाणी कट कहोगे तो मन उलझ जाएगा। पत्नी से कट कह दिए, दिन भर खटास। अफसर है कोई, अपने ऑफिस में ही कट कह दिया,
उसी को पश्चाताप होगा कि दूसरे ढंग से कह सकता था। कचोटे का मन, गुरु है कट कह दिया, उसका मन कचोटेगा कि दूसरे ढंग से कहा जा सकता था। कट कहेंगे, झूठ कहेंगे, गलत कहेंगे, मन खराब हो जाएगा, आचरण खराब करेंगे, छल करेंगे, धोखा देंगे, इंद्रिय लंपट तक बर्ताव करेंगे, मन खराब हो जाएगा। इसमें कोई भगवान क्या करेगा, कोई परमात्मा क्या करेगा, कोई देवता क्या करेगा, गुरु महाराज भी बेचारे क्या करेंगे। गुरु महाराज रास्ता भर दिखाएंगे। आप अपने मन को खराब करते रहें, वाणी को खराब करते रहें, कर्मों को खराब करते रहें, कौन सुख देगा? सुख दुख देने वाले आप खुद हैं अपने को। आप चाहें पूरा जीवन सुखी रह सकते हैं, कोई दुख देने वाला नहीं है। कोई गाली दे के हमें दुख दे देगा? गाली दे, कोई अर्ज नहीं। चीज़ें घट गई घट गई, शून्य स्थित में आकर के भी हम सुखी रह सकते हैं, फिर गुजर बसर हो जाएगा। पाकिस्तान के बंटवारे में पंजाबी और सिंधी आए, वो दर्द में देखा, लेकिन उनके फिर महल खड़े हो गए, उनका गुजर बसर ही नहीं होने लगा, आगे बढ़ गए। पानी जब रुक जाता है नाली में तो पानी दूसरा रास्ता बना लेता है, जीवन का रास्ता बनता है। जानवरों के पास कुछ नहीं है, खूब खुश हैं। हम लोग संग्रह किए हैं, कपड़े पहनते हैं, खाने की वस्तुएं हैं, और रोज रोते हैं क्या खाएंगे, चिंतित हैं, पीड़ित हैं। ये हमारा अविवेक है, अज्ञान है। अपने अज्ञान को दूर करने की जरूरत है, निष्पक्ष विचार की जरूरत है, निर्बल विचार की जरूरत है। कबीर साहब ने कहा, सत्य का कोई एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है, सत्य सबके दिल में है। अपने दिलदार को समझने की जरूरत है। आपका परमात्मा आपका आत्मा है, उसको पहचानें और अपने मन वाणी कर्मों को शुद्ध करें। मन वाणी कर्म जितने शुद्ध होते जाएंगे, जीवन में शांति आती जाएगी, इसी में परमात्मा घटित होगा। परमात्मा कहीं बाहर से नहीं मिलता है, परमात्मा के दर्शन होते हैं, इसका हल्ला बहुत है। लेकिन दोपहर में मैंने कहा था, चारों वेदों, छह शास्त्रों और 11 प्रामाणिक उपनिषदों में मैंने कहीं भी नहीं पाया कि परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये चक्षुषा न पश्यत एन चक्षुंस पश्यत तदेव ब्रह्मत्वम विद नेदम यदिदम उपासते, ये कहा गया। ये चक्षुषा न पश्यत, जिसे आंखें नहीं देखती, एन चक्षुंस पश्यत, किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, तदेव ब्रह्मत्वम विद्ध, उसी को तू ब्रह्म जान। नेदम यदि तुम उपासते, न कि जिसकी तू उपासना करता हो ब्रह्म है। सरल अर्थ हुआ, जो आंखों से दिखाई देता वो ब्रह्म नहीं है, किंतु जो देखता है वो ब्रह्म है। ये आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा परमात्मा है। राहक हरगिज नयाबी इता नगीरी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क, ये सूफी संत ने कहा। राहक हरगिज नयाबी, सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता है। ता नगीरी चार तर्क, चार का जब तक तर्क त्याग नहीं होगा, तर्क दुनिया, दुनियादारी का त्याग, यानी मोह माया का त्याग। मोह माया त्यागो, कर्तव्य नहीं। भाई पत्नी, पत्नी बच्चे, माता पिता, परिवार, समाज, जहाँ जो हैं उनकी सेवा करो, मोह करने से कोई फायदा नहीं। तान अगिरी चार तर्क दुनिया, दुनियादारी, मोह माया का त्याग। तर्क उकबा, उकबा स्वर्ग, स्वर्ग में क्या रखा है? यहाँ की मलिन के भोग का ही वर्णन स्वर्ग में है, वो काल्पनिक भी है। और स्वर्ग की इच्छा कभी भी विवेकवान नहीं करता है, स्वर्ग तो बच्चों का खिलवाड़ है। इसलिए सूफी संत कहता है, उकबा का भी त्याग करो, स्वर्ग का भी त्याग करो, और तर्क मौला ईश्वर का भी त्याग करो। तुम बाहर ईश्वर खोजते हो? तर्क तर्क, और इन तीनों के त्याग का त्याग करो, त्याग के अहंकार का त्याग करो। और खुदा खुद में है, वो दिलदार है, दिलकश है, सबके अंदर में बैठा है। उस अपने स्वरूप को पहचानो। आपका स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है, महान है। आप अपने को नीच और तुच्छ मान मान करके गिरे हुए हैं, आपका स्वरूप निर्मल है। मैंने कहा था, काम क्रोध लोभ मोह आपका स्वरूप होता तो फिर आप कभी उससे अलग न होते, और उससे आपको दुख भी न होता। दुख होता है इसलिए आपका स्वरूप नहीं है।
और जब उससे आप रही रहते हैं तो सच्चे सुखी रहते हैं, आपका स्वरूप बिल्कुल निर्मल है। उस निर्मलता को बनाए रखने के लिए साधु संगत कीजिए, सत्शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, रोज अकेले में बैठिए और चिंतन मनन कीजिए अपने दोषों पर, कितने दोष घटे, मनवाणी कर्मों का परिमार्जन कीजिए। मनवाणी कर्म जितने निर्मल होते जाएंगे शांति मिलती जाएगी, वही परमात्मा की प्राप्ति है, शुद्ध आत्मा की स्थिति परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए जगने की जरूरत है। साहब का यह दोहा, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता बोलिए सतगुरु की जय। आप लोग थोड़ी देर और बैठे हैं, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, बहुत